अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम अहबाब खैर वाफियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों का नाम उर्तुगरुल रखना कैसा है और उर्तुगरुल के मायने क्या है। नाजरीन, पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि मुकम्मल जानकारी आपको हासिल हो जाए। और वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ हमारी वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी आपके तमाम अहबाब भी जान सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर ऐसी आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, इस नाम का सही तलफ्फुज उर्तुगरुल है। उर्तुगरुल तुर्की जबान का लफ्ज है। तुर्की में उर के मायने आदमी, बहादुर या फौजी के हैं और तुगरुल के मायने अकाब, जख्मी करने वाला, बहादुर परिंदा। इस एतबार से तुर्की जबान में उर्तुगरुल के मायने बहादुर आदमी यानी बहादुर शख्स के हैं। उर्तुगरुल ये गाजी उर्तुगरुल बक का नाम है। ये खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे और तुर्क ओगोज के शाख काई कबीले के सरदार थे और सलजुकिया के ताबे थे। उन्हें आम तौर पर गाजी के लकब से पहचाना जाता है। बहादुर नेक और आदिल शख्स थे। सलजुकी हुकूमत में उनके हाथ पर कई फतुहात हासिल हुई। बच्चे का नाम उर्तुगरुल रखना बिल्कुल जायज है। अलबत्ता हमारे बर्रे सगीर में इसका सही तलफ्फुज मुश्किल है और आम तौर पर जबान पर रवानी से ये नाम नहीं बोला जाता है, जिसकी वजह से लोग नाम का सही तलफ्फुज खराब कर देते हैं। इसलिए कोई अरबी नाम या सहाबा के नामों में से इंतखाब करके नाम रखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। उर्तुगरुल नाम जबान पर लेना ये ज्यादा दुश्वार हो जाता है, इसलिए इस नाम को ना रखा जाए तो बेहतर है ताकि दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं एक ऐसी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।